हेलो गाइस, कैसे हो सब? उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम करेंगे टीवीएस जुपिटर का ओनरशिप रिव्यू। ठीक है गाइस, तो ये जो है स्कूटी चल चुकी है 40,000 के आसपास। ठीक है गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि 40,000 में हमें क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ी और कैसा इसका एक्सपीरियंस रहा फुल। ठीक है गाइस, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। ठीक है, अगर आपको भी सेकेंड हैंड बाय करनी है तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल ज़रूर होने वाला है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं गाइस, तो इस तरह की है कुछ स्कूटी की लुक, जो पीछे से इस तरह से दिखती है और साइड से कुछ इस तरह से दिखती है। और उसके बाद हम फ्रंट की बात करें तो फ्रंट से कुछ इस तरह से दिखती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले फ्रंट से बात करेंगे गाइस। ठीक है, तो जब मैंने स्कूटी ली थी गाइस, तो इसमें हेलोजन बल्ब आता था। ठीक है गाइस, अभी जो है कंपनी इसमें एलईडी दे रही है, जो भी BS6 मॉडल आ रहा है। ठीक है गाइस, तो इसके बाद हम यहाँ पे टीवीएस का लोगो मिल जाएगा, जो उस टाइम भी टीवीएस का लोगो वगैरह आता था। यहाँ पे एसेसरी जो ये कंपनी के साथ नहीं आती थी, यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, और ये उसके बाद नीचे आएंगे तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये है टायर, जो टायर जो है अभी गाइस ये स्टॉक टायर चल रहा है, जो अभी तक 40,000 में एक बार भी फ्रंट टायर जो है चेंज नहीं हुआ है। ठीक है गाइस, और उसके बाद हम इसकी ब्रेकिंग की बात करेंगे। तो ब्रेकिंग गाइस कुछ खास तो नहीं बोल सकते, पर ठीक है, डिसेंट है। ठीक है, मतलब ना ज़्यादा ख़राब है और जो ना ज़्यादा सही है। ठीक है, वो जो आज के टाइम में जो जुपिटर आ रही है BS6 इंजन के साथ, तो वो जो आ रहा है कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम आ रहा है। तो कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे हम ये वाली ब्रेक लगाएंगे, जैसे आगे वाली लगाई तो दोनों ही ब्रेक काम करेंगी, चाहे वो पीछे वाली हो या फिर आगे वाली हो। ठीक है गाइस, तो उसको कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम बोला जाता है। उसके बाद हम आएंगे तो कुछ इस तरह सा इसका मीटर दिखता है। ठीक है गाइस, तो मीटर में देख सकते हो आप लगभग 38 के ऊपर पहुंच चुकी है, 40 क्रॉस करने वाली है। ठीक है गाइस, तो इस तरह का उस टाइम पे मीटर आता था। और उसके बाद इंटीरियर क्वालिटी की बात करें तो आप देख सकते हो, तो उस टाइम जो ब्लैक आता था और अभी जो है B6 में बीच कलर का भी आने लग पड़ा है। ठीक है गाइस, तो वो हर किसी की पर्सनल चॉइस होती है, किसी को ब्लैक सूट करता है, किसी को बीच कलर। ठीक है गाइस, तो जिसको से वो जो सही लगता वो है, पर अब इसमें ऑप्शन आने शुरू हो गए गाइस। ठीक है, तो इंटीरियर आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ, 40,000 बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अभी तक वैसे ही है, ये स्टिकरिंग है। ठीक है, ये भी कंपनी द्वारा आई थी, वो भी ऐसे ही है। और आप ये देख सकते हो हल्का फुल्का कलर फेंट जरूर है इंटीरियर का, क्योंकि इसकी वजह ये है कि ये पे जो ज़्यादा टाइम जो है धूप पे लगी रहती है। ठीक है, और यहाँ पे लाइटिंग की बात करें, ये हाई बीम लो बीम इंडिकेटर स्विच, और ये वाला हॉर्न स्विच आ गया, और ये आपका लॉक अनलॉक आ गया, ये आपका सेल्फ स्टार्ट। ठीक है, तो जो भी आपने देखा है, ठीक है, बिल्कुल स्टॉक है। और जो लाइट की बात की, ठीक है, तो वो भी जो भी कंपनी द्वारा आई है वो ही है, मतलब अभी तक कोई इसमें चेंज वगैरह नहीं किया गया है। और उसके बाद मीटर में, अगर मीटर की बात करें तो मीटर में भी कोई दिक्कत नहीं है, मीटर भी स्टॉक है। पर हाँ, इसमें दिक्कत आ रही है, जैसे ये है फ्यूल वाला, तो इसमें जो है नो कभी कभी काम नहीं करती है। ठीक है, उसमें दिक्कत आ रही है। ठीक है, और बाकी सब स्टॉक है। और उसके बाद बात करें तो हाँ, यहाँ पे कैरी हुक मिल जाता था। ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये होता है स्मार्ट टांगने के लिए, और एक यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, स्मार्ट टांग सकते हैं, और साइड से इस तरह के है। यहाँ पे आपको जो है जुपिटर का लोगो मिल जाता है। ठीक है गाइस, और एग्जॉस्ट सिस्टम जो आता है इसमें इस तरह का आता है, छोटा सा आता है, काफ़ी बड़ा नहीं है। ठीक है गाइस, छोटा सा एग्जॉस्ट सिस्टम आता है, वो आज काफ़ी अच्छा निकालता है। और अगर हम पीछे के टायर की बात करें तो गाइस, टायर जो है दो बार चेंज हो चुके हैं और ये तीसरी बार
होने वाला है, ठीक है गाइस। और उसके बाद बैक इंडिकेटर की बात करें, स्टॉक है, टेल लाइट की बात करें तो स्टॉक है, पीछे का जो कुछ भी है स्टॉक है, टीवीएस का लोगो आता है यहाँ पे, बिल्कुल स्टॉक है, ठीक है गाइस। अगर हम पेंट क्वालिटी की बात करें तो पेंट क्वालिटी भी गाइस इसकी अच्छी है, जो पेंट कंपनी द्वारा है वो ही है, इसमें ना ज़्यादा स्क्रैचेज वगैरह इजली नहीं आते हैं, पेंट क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है गाइस। तो उसके बाद ये पैसेंजर फुटरेस्ट की बात करें, ये भी कंपनी द्वारा आता है, ठीक है गाइस। और उसके बाद ये किक भी आती है, उसके बाद सेल्फ भी आती है, किक को सेल्फ स्टार्ट दोनों ही है इसमें ऑप्शन, ठीक है गाइस। तो उसके बाद ये सेंटर स्टैंड आता है, साइड स्टैंड, और यहाँ पे चोक मिलती है। तब उसके बाद हम बात करेंगे कि हमने इतने सालों में इसमें काम क्या क्या करवाया। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि थोड़े दिन पहले, कोई 5-3-4 महीने पहले, तो इसमें मुझे हल्का फुल्का काम करवाना पड़ा है। वो काम ये था कि गाइस इसमें पिकअप प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। तो एक बार इसकी बेलेट चेंज हुई है, और क्लच शू चेंज हो चुके हैं, और एक बैरिंग जो होता है वो चेंज हो चुका है। उस टाइम गए जब मैंने कंपनी को मैं अपनी प्रॉब्लम बताई थी, तो उनको जो है समझ नहीं आ रही थी, तो मुझे एक टाइम ऐसा लग रहा था कि मैं इसको सेल कर दूं, ठीक है गई। पर फिर मेरे एक दो सर्विस सेंटर जाने के बाद मेरी जो है प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुकी है, ठीक है गई। अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और उसके बाद मैं सर्विस कॉस्ट की बात करूँ, तो सर्विस कॉस्ट गाइस मुझे पड़ती है 750 या 800 के बीच, वो भी कंपनी द्वारा, ठीक है। अगर बाहर से करवाऊँ तो मुझे सस्ती पड़ेगी, पर कंपनी से ज़्यादा अच्छे से होती है, ठीक है। तो उसके बाद मैं बात करूँ कि इतने सालों में मुझे इसमें पिकअप में अभी कोई प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो गाइस मैं बता दूँ 40,000 चलने के बाद हाँ कि इसमें थोड़ा बहुत पिकअप का इशू है अभी, ठीक है। जैसे पहले पिकअप आता था उस तरह से अभी पिकअप नहीं है, थोड़ा पिकअप जो है ड्रॉप हुआ है, ठीक है गाइस। क्योंकि पहले पिकअप इसका बहुत ज़्यादा सही था, और अब जो है पिकअप उसका हल्का सा ड्रॉप हुआ है, ठीक है गाइस। तो ये था इसका ओनरशिप रिव्यू, ठीक है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। तो एक बात बताना चाहता हूँ गाइस, अगर आपको ये सेकंड हैंड मिल रही है तो गाइस अगर आप लेना चाहते हो तो भेजिज ले सकते हो, अच्छी स्कूटी है, ठीक है गाइस। क्योंकि आप देख सकते हो इसी 40,000 जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये इसमें 8 साल लगभग होने वाले हैं, तो 8 साल और 40,000 जो स्कूटी के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई है, जो पार्ट हैं जो पार्ट तो है, जो अगर स्कूटी वगैरह चलेगी तो घिसने के बाद जो है चेंज होते ही हैं, ठीक है गाइस। पर ऐसे कोई इसमें ये नहीं है, वायरिंग के रिलेटिव, लाइट के रिलेटिव, पेंट के क्वालिटी के रिलेटिव, या इंजन के, इंजन भी बिल्कुल सही कंडीशन में है। और शॉकर की बात करें तो शॉकर वगैरह भी बिल्कुल सही से हैं, अभी कोई भी मतलब कुछ भी इसमें काम नहीं हुआ है, ठीक है गाइस। तो आप लेना चाहते हो अगर सेकेंड हैंड तो आप ले सकते हो गाइस। थैंक यू गाइस।